दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने T20 सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराया है और अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बावजूद अपने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने प्लेइंग 11 में दो खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो आते ही मैदान में आग लगा देंगे। इन खिलाड़ियों के बारे में सुनकर साउथ अफ्रीका की टीम को पसीने आ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारतीय कप्तान ने किन किन विस्फोटक खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है? ये वो खिलाड़ी हैं जो हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की ताकत रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। क्या संजू सैमसन फिर से एक धमाकेदार शतक लगा पाएंगे? क्या अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत करेंगे? ये सवाल आपके मन में जरूर होंगे। अब सुनिए, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। यह मैच 8:30 को सेंट जॉर्ज पार्क, केप टाउन में होगा और यकीन मानिए, इस मैच को देखने का मजा अलग ही होने वाला है। आखिरकार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान किया है? कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे? चलिए सबसे पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को फिर से ओपनिंग करते हुए देखा जाएगा। क्या वो फिर से धमाल मचाएंगे? मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का दम दिखेगा। क्या ये खिलाड़ी पारी को लेकर फायर करेंगे या फिर विकेट जल्दी गिर जाएंगे? और फिर गेंदबाजों की बात करें तो रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती जैसे खतरनाक स्पिनर मैदान में होंगे। क्या वो अपनी जादुई गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की टीम को नतमस्तक करेंगे? और क्या आवेश खान और हर्षदीप सिंह तेज गेंदबाजी में तड़का लगाएंगे? ये सभी सवाल, यही वो रोमांच है जो आपको इस मैच में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस धमाकेदार मुकाबले के लिए? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अगले मैच में साउथ अफ्रीका को फिर से हरा पाएगी?